अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है गुलाब जामुन। दो तरीके के गुलाब जामुन, एक तो रबड़ी वाले गुलाब जामुन और दूसरे शीरे वाले गुलाब जामुन। तो हमने गाइस खवा घर में ही घोटा था, हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे खवा कैसा घोटते हैं, कितना दूध लेना चाहिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। तो हम सबसे पहले लेंगे दूध, रबड़ी रबड़ी बनाने के लिए हम दूध लेंगे। दूध में ऐड किया हमने शक्कर, ड्राई फ्रूट, इलायची। अब हम दूध को अच्छे से कंटिन्यू चम्मच चलाएंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। देखिए रबड़ी के लिए हमारा दूध तैयार हो रहा है, देखिए हल्की हल्की रबड़ी बनना तैयार हो रही है हमारी। हमारी रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है गाइस। अब हम बनाएंगे गुलाब जामुन। तो हमने सबसे पहले कढ़ाई में घी ऐड किया है, देसी घी है ये, इसमें ऐड करेंगे गुलाब जामुन की गो बनाकर। ये रबड़ी की गुलाब जामुन है, इसको गोल नहीं करना है, इसको चपटे ही रहने देना है। और जो शीरे वाले हैं हम उसको गोल बनाएंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे रबड़ी में, हमारे रबड़ी के गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए सर्व करने के बाद माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे शीरे वाले गुलाब जामुन। हमने एक कढ़ाई में पानी लिया है 2 कप, उसमें ऐड करें शक्कर, इलायची और ज़ाफ़रान यानी केसर। हमारी चाशनी भी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसको थोड़ा ठंडी होने के बाद इसमें ऐड करेंगे गुलाब जामुन। देखिए गाइस हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। अब ये हम बनाएंगे इसको सूखे गुलाब जामुन। अब हमारे बन गए ये सूखे गुलाब जामुन, माशाल्लाह कितने अच्छे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। ये है हमारे रबड़ी वाले गुलाब जामुन, देखिए रबड़ी भी कितनी माशाल्लाह बन गई है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और अब हमारे हैं दूसरे गुलाब जामुन शीरे वाले। देखिए हमने इसको हमने सूखे गुलाब जामुन बनाए हैं, देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे सॉफ्ट बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में हमें याद करें। अल्लाह हाफिज़।